आपका खैर मकदम है। 4TV न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में मैं हूं शकील बागमारे। ब्राह्मणों और मुसलमानों ने मिलकर बनाई है शाही मस्जिद और जिसे हटाने की साजिश में लगे हैं बीजेपी MLA अभय पाटिल। बेलगाम के बापट गली में रही शाही मस्जिद को ब्राह्मणों और मुसलमानों ने मिलकर बनाया है, कहा इंडियन यूनियन मुस्लिम अध्यक्ष दसगीर आगा ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बापट मतलब ब्राह्मण घराने का नाम है। ब्राह्मणों और मुसलमानों ने शाही मस्जिद बनाई है। आज इस शाही मस्जिद को हटाने की जो साजिश की जा रही है, जिससे बेलगाम में शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जा रही है और MLA अभय पाटिल के खिलाफ DC को मेमोरेंडम देने की बात कही, जो शांति को भंग करने की साजिशें कर रहे हैं, कहा दसगीर आगा ने। आज देश की कई समस्याओं को छोड़कर सब सियासतदान मंदिरों को ढूंढने में लगे हैं कि किस जगह मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जबकि कई लोग आज भी सड़कों पर भूखे सोते हैं, उन पर इनकी नज़र नहीं। देश में लाखों समस्याएं हैं, मगर इनकी तो नज़र सिर्फ हिंदू मुसलमानों को अलग करने में ही लगी है, ताकि इन्हें विकास पर ना सही धर्म के नाम पर तो वोट मिल सके। मोदी येडियुरप्पा राष्ट्रपति सब RSS हैं, पूर्व CM जगदीश शेट्टर। सिद्धरामैया और DK शिवकुमार RSS के खिलाफ बात करने के बाद खाया हुआ खाना भी उनको हजम नहीं होगा। पूरे देश में हिंदू संगठनों पर काम कर रही है RSS, मैं भी RSS वाला ही हूँ। येडियुरप्पा, मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब लोग RSS वाले ही हैं, कहा पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने। अंकोला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि RSS को ख़त्म करके माइनॉरिटी के वोट मिलेंगे कहने वाली कांग्रेस ने ऐसी सोच सोची होगी। अगर RSS के खिलाफ इनकी ये लड़ाई ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। RSS के बारे में बात करने वाले सिद्धरामैया अभी बहुत छोटे हैं, कहा जगदीश शेट्टर ने। अब जनता को क्या लेना कि कौन छोटा है या कौन बड़ा। जनता तो सिर्फ अच्छे दिन के इंतज़ार में है कि कब अच्छे दिन आएंगे, मगर हमारे नेता तो लोगों की समस्याओं को भूल कर दूसरे पर कीचड़ उछालने में ही लगे हैं। राज्य में 10 जगहों पर महिला छात्रों के लिए नए कॉलेज की स्थापना, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि राज्य में 10 जगहों पर महिला छात्राओं के लिए कॉलेज खोले जाएंगे। कर्नाटका वक्फ बोर्ड की तरफ से गुलबर्गा, यादगिरी, रायचूर और अन्य 7 जिलों में कॉलेज बनाए जाएंगे, कहा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मौलाना शाफी सादी ने। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को शिक्षा जरूरी करने और आगे बढ़ने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। मुस्लिम समाज के युवाओं को IAS, IPS और ऐसे कई तरह के परीक्षाओं में भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए वक्फ बोर्ड ने बेंगलुरु लालबाग के पास 30,000 स्क्वायर फीट जगह में एक कोचिंग सेंटर बनाने का इरादा किया है, जो जून में ये काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए जियाउल शरीफ ने केंद्र के लिए 15 करोड़ रुपए अनुदान की घोषणा की है। सरकार ने तिमकुर में ग्रेजुएशन कॉलेज और हॉस्टल के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ की मंजूरी की है। इन कामों को जल्द करेंगे, कहा वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शाफी सादी ने। हमारे तीनों उम्मीदवार जीतेंगे BS येडियुरप्पा। राज्यसभा में हमारे 2 उम्मीदवार जीतेंगे, तीसरे उम्मीदवार को मैं जिताने की पूरी कोशिश करूंगा, कहा येडियुरप्पा ने। राज्यसभा उम्मीदवारों के रूप में केंद्र मंत्री निर्मला सीताराम के नॉमिनेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि निर्मला सीताराम ने हम सभी को सम्मान दिया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। निर्मला सीताराम और कन्नड़ा कॉमेडी एक्टर जग्गेश, ये दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। तीसरे उम्मीदवार लहर सिंह पर नजर रखकर मैं उनको भी जिताने की कोशिश करूंगा, कहा येडियुरप्पा ने।
राज्यसभा चुनाव जेडीएस के उम्मीदवार कुपेंदर रेड्डी ने दिया नॉमिनेशन। राज्यसभा चुनाव के लिए जेडीएस के उम्मीदवार कुपेंदर रेड्डी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। जेडीएस अध्यक्ष सीएम इब्राहिम एचडी रेवन्ना, एटी रामस्वामी और भी कई शासक की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव अधिकारी एमके विशालक्ष्मी के हाथों अपने उम्मीदवार कुपेंदर रेड्डी का नॉमिनेशन पत्र दिया। नॉमिनेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए जेडीएस राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने कहा कि तीसरा जेडीएस उम्मीदवार डालने को कह रही है कांग्रेस और सोनिया गांधी और खड़गे ने इसको माना है। इसके बाद अगर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दाखिल किया तो जनता फैसला करेगी। अगर बीजेपी को जिताना ही कांग्रेस का उद्देश्य है तो वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। कांग्रेस का पहला उम्मीदवार मुस्लिम होना चाहिए था, मगर जयराम क्यों बने पहले उम्मीदवार का सवाल करते हुए कहा सीएम इब्राहिम ने, क्या कांग्रेस तीसरा उम्मीदवार ना उतार कर जेडीएस का सपोर्ट करेगी या बीजेपी को हरा पाएगी या खुद ही अपने उम्मीदवार खड़ा करके बीजेपी को जितवाएगी, कहा सीए इब्राहिम ने। चुनाव के टिकट ना मिलने पर कांग्रेस के नेता ने दिया इस्तीफा। जून 13 को उत्तर पश्चिम शिक्षक निर्वचरण क्षेत्र के चुनाव में प्रकाश उक्केरी को दिया गया टिकट से नाखुश और नाराज एनबी बेन्नूर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा के लेटर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विपक्ष नेता सिद्धरामैया को भेजा। पहले भी दो बार कांग्रेस पार्टी से एनबी बेन्नूर ने चुनाव लड़ा था जिसमें भारी अंतरों से उनकी हार हुई थी, जो इस बार भी टिकट मिलने की उम्मीद लगाई थी। एनबी बेन्नूर ने डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया ने हाईकमान को मुझे शिक्षा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार बनाने का निर्देश दिया था। मैंने चुनाव घोषणा से पहले पार्टी का आयोजन किया था कि मुझे टिकट मिलेगा। जब मैं इस बार जीत की राह पर था, टिकट मुझे ना देकर प्रकाश उक्केरी को दिया गया है। कांग्रेस के कुछ नेता ये आरोप लगा रहे थे कि मैं चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूं, जो सच नहीं है, और इसकी चलते मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है, कहा एनबी बेन्नूर ने। सियासत में ये कोई नई बात नहीं है। टिकट ना मिलने पर अक्सर ये देखने मिलता है कि उम्मीदवार या तो इस्तीफा देते हैं या आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ता है। ये सियासत है भाई, यहाँ सब चलता है। सिद्धरामैया को चाहिए कि राजनीति छोड़कर सन्यासी बने अश्वत्थ नारायण। पूर्व सीएम सिद्धरामैया नित्य रामैया बने हैं। सिद्धरामैया को राजनीति छोड़कर सन्यास लेना चाहिए, कहा मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण ने। सिद्धरामैया के आरएसएस पर बयान से विरोध करते हुए रामनगर में मीडिया से बात करते हुए अश्वत्थ नारायण ने कहा कि सिद्धरामैया बिना मतलब की बात करते करके राजनीति कर रहे हैं। मैं आरएसएस से आया हूं और बीजेपी पार्टी में हूं। आरएसएस में सब जात के लोग काम करते हैं। हमने 5 साल सिद्धरामैया के काम को देखा है, जो 5 साल सोते हुए गुजार कर सिद्धरामैया से नित्य रामैया बने हैं, कहा बीजेपी मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण ने। अब नेता सिर्फ एक दूसरे पर वार प्रतिवार करने में लगे हैं, मगर जनता की समस्या इन अधिकार में बैठे हुए नेताओं को दिखाई नहीं दे रही है। अगर दिखाई देती है तो सिर्फ अपनी कुर्सी और उसे बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।